एक होंदा अवे फ्रॉम मोटिवेशन, एक होंदा टूवर्ड्स मोटिवेशन। जिहड़ा अवे फ्रॉम मोटिवेशन होंदा ना वो होंदी है आलमोस्ट एक्सेप्टेंस। अवे फ्रॉम मोटिवेशन नूं मैं समझाण दा तुहानूं तरीका दसदा कि तुसीं तुहाडे मगर डॉग पै गया तो तुसीं अगे अगे भजदे हो तो डॉग तुहाडे मगर मगर भजदा तो तुसीं जिहड़ा भजदे हो ना ये अवे फ्रॉम मोटिवेशन है। ये जिहड़ा तुसीं भज के अपने आप नूं बचा रहे हो ना यह है अवे फ्रॉम मोटिवेशन। तुहानूं मोटिवेशन किसी चीज़ तो दूर जाण वास्ते है, नशियां तो अवे फ्रॉम मोटिवेशन। तुहाडी तकलीफ जिहड़ी है ना वो तुहानूं हॉस्पिटल च लिया रही है क्योंकि तुहानूं नशे भजदे नहीं पे तो तुहाडा शरीर खराब हो गया। दिस इज़ अवे फ्रॉम मोटिवेशन। जदों ये चीज़ खत्म हो जाती है ना फिर उस तो बाद आती है टूवर्ड्स मोटिवेशन। टूवर्ड्स मोटिवेशन हैगी है कि तुहाडा रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर सैल्फ डिवेलप हो गया, तुहाडा रोमांटिक रिलेशनशिप विद रिकवरी बैटर हो गया, तुहानूं अपनी लाइफ चंगी लगन लग पई। ये हुण जिहड़ी चीज़ अट्रैक्ट करती है ना तुहानूं ये हैगी है टूवर्ड्स मोटिवेशन। दैट्स वट यू आर टॉकिंग, यही तुसीं गल कर रहे हो ना कि शुरुआत च बंदा आंदा तकलीफ वास्ते, एक दिन तकलीफ ठीक हो गई, हुण मोटिवेशन किस चीज़ की है तुहाडी प्रोग्राम च रहण दी। हुण मोटिवेशन ये है कि तुहानूं वो चीज़ जिहड़ी ग्लिम्प्स दिख रही है, तुहानूं कोई बच्चा देख रहा है, तुहानूं कोई इंसान देख रहा है, तुहानूं कोई आस पास बंदा देख रहा है जिहदी लाइफ बहुत कमाल दी है, उहदे कमाल दी लाइफ दा की मतलब हुंदा है कि वो एक तो सौखा बंदा है, एक सौखा बंदा है, एक बंदा जिहड़ा है ना भला मानस है, तो एक बंदा खुशहाल है। मतलब तुसीं एक इंसान वल देख के अट्रैक्ट कदों हुंदे हो, जदों कोई बंदा देखते हैं कि यार ये सौखा है, तुहानूं वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है कि मैं औखा तो ये सौखा क्यों है, तुहाडे अंदर एक क्वेश्चन आता है। फिर तुसीं देखते हो यार बंदा भला मानस है। भला मानस का मतलब हुंदा है कि इहदा इहदे मन च हमेशा किसी ना किसी का फायदा करन दी सोची आती रहती है, किसी का नुकसान करके खुश नहीं हैगा, ये भला बंदा है। मानस मतलब मानसिकता नूं समझदा है, तो भला मानस है, तुसीं उस बंदे वल बड़े अट्रैक्ट हुंदे हो, ठीक है। तीसरी जिहड़ी चीज़ है कि ये बंदा खुश भी हैगा यार, तुहानूं ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है कि यह बंदा खुशहाल हैगा, इहदा हाल भी बहुत वधिया हैगा। यह हैगी है टूवर्ड्स मोटिवेशन कि तुसीं एक चीज़ देखी जिथे तुसीं अट्रैक्ट होकर उन खिचे चले जा रहे हो। यह है डिफरेंस बिटवीन एक्सैप्टेंस एंड ग्रेसफुल एक्सैप्टेंस। कोई पहला एक्सैप्टेंस आई तकलीफ तो दूर भजन की, ठीक है। दूसरी एक्सैप्टेंस आई कि जो तुम किसी चीज़ वाल देख के इन्ने प्रभावित हो गए कि तुहानूं चीज़ इनफ्लुएंस कर गई तो तुम हूँ उदी चुंबक के नाल खिचे चले जा रहे हो। हूँ तुहानूं एफर्ट नहीं लग रही, हूँ तुहानूं ये एक कॉन्सैप्ट ऑफ लाइफ लगता, तुहानूं लगता कि इस परपज़ ऑफ लाइफ मैं मिल गया कि जेड़ा मैं इन्नी देर तक लेट गया सी, मैनू नहीं समझ आती मैं की करा, जिथे कोई तुरदा सी मैं उत्थे ही तुर पैंदा सीगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाता सीगा, हुण मैनू एक परपज़ ऑफ लाइफ मिल गया। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। सवेरे उठ के ही मेरे अंदर प्लैनिंग आ गई कि जे मैं तीन चार काम निपटावांगी तो फिर मैं शाम की मीटिंग वास्ते एलिजिबल हाँ, तो शाम की मीटिंग मेरे वास्ते इज़ ए अट्रैक्शन, लव फॉर अट्रैक्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेसफुल एक्सैप्टेंस। बड़े तरीके ना ग्रेसफुल एक्सैप्टेंस एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अपने अंदर झाती मारन की लड़ है कि असी किस तरीके ना जा रहे हैं, असी साडा हले किन्ना कु जोर लग रहा है। जे सानू एफर्ट लग रही है इहदा मतलब है हले असी स्टेज पहला, जे साडी एफर्ट घटती जा रही है एक टाइम इहो जिहा भी आ जांदा जिहदे च इंज लगदा कि 50% मैं जावां 50% ना जावां, एम्बिगुइटी आ जाती है। एक मन कहिंदा जा, एक मन कहिंदा रहिण दी, एक मन कहिंदा जा, एक मन कहिंदा रहिण दी।